अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं ऑन हाउ टू ऐड एन इमेज गैलरी टू वर्डप्रेस। ये मेरा बहुत फेवरेट पार्ट इसलिए है बिकॉज दिस इज़ वेयर वी गेट टू एक्सप्लोर द ट्रू पोटेंशियल ऑफ वर्डप्रेस, क्योंकि वर्डप्रेस इज़ एन अमेजिंग मीडिया मैनेजर। और जिस तरह हमने शुरू में भी कहा कि इट्स अ CMS। व्हाट इज़ अ CMS? अ CMS इज़ अ कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जितना ज़्यादा कॉन्टेंट होगा उतना ज़्यादा ये CMS अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज मैनर में कंटेंट को मैनेज कर सकेगा। सो दिस इज़ वेयर वी विल गेट टू लर्न ऑन हाउ टू ऐड एन इमेज गैलरी। लेकिन एक गैलरी होती क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ गैलरी? अ गैलरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ इमेजेस। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह आपके फ़ोन में देर इज़ एन इमेज और अ फोटो गैलरी जिस पे आप अपनी सारी फ़ोटोज़ अपने सारे इमेजेस एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल नज़र आ रही होगी एक इमेज गैलरी की। एक गैलरी इज़ बेसिकली अ प्लेस वेयर यू कैन सी मल्टीपल फ़ोटोज़ और मल्टीपल इमेजेस एट द सेम टाइम। इसी तरह जो वर्डप्रेस की इमेज गैलरी है इट परफॉर्म्स प्रिटी मच द सेम फंक्शन। बट क्वेश्चन जो आपके जहन में आ रहा होगा वो ये कि हम इमेज गैलरी ऐड कैसे कर सकते हैं। एज़ ऑलवेज जिस तरह हम आपको एक डीप लेवल पे चीज़ें बता रहे हैं सिखा रहे हैं, हम आपको इमेज गैलरी भी ऐड करना इतने ही तरीके से सिखाएंगे। आपने सबसे पहले जाना है एक पोस्ट पे क्लिक करना है या एक पेज पे क्लिक करना है जिसको आप नया पेज या नया पोस्ट क्रिएट करना भी कहते हैं। एंड वहाँ पे यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन दिस बटन दैट इज़ कॉल्ड ऐड मीडिया। ऐड मीडिया का जब आप बटन क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पॉपअप विंडो खुल जाएगी। वहाँ से यू कैन क्लिक ऑन दिस बटन ऑन द लेफ्ट साइड विच शोज़ यू क्रिएट गैलरी। दैट इज़ योर ऑप्शन टू क्रिएट अ वेरी सिंपल एंड अमेजिंग गैलरी विद वर्डप्रेस। यहाँ पे आप कॉलम्स भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपको अपनी गैलरी कितने कॉलम्स में देखनी है, कितने किस तरह से देखनी है। यहाँ पे आप उसका लिंक भी एक स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि हर इमेज अलग से एक पेज पे खुले, आप चाहते हैं कि हर एक इमेज किसी बॉक्स में खुले। यू कैन स्पेसिफाई दैट। ऑल्सो यू कैन स्पेसिफाई कैप्शंस। कैप्शंस टेल द स्टोरी ऑफ व्हाट ईच इमेज एक्चुअली इज सेइंग। सो वर्ड्स में आप हर एक इमेज की डिस्क्रिप्शन भी सेट कर सकते हैं। यू कैन मेक दोज इमेजेस रैंडमाइज्ड कि अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में वो इमेजेस शो अप ना हो, so you can also do that. And you can specify the size कि आप चाहते हैं वो images thumbnail में नज़र आएँ, आप चाहते हैं वो image एक पूरी बड़ी gallery में नज़र आएँ, किस तरह वो image नज़र आएँ। You have the option to select all of this as you can see on the screens right now. एक चीज़ और ज़हन में याद रखिएगा कि once a gallery has been added, you can also edit it. तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप शुरू से ही देखें कि गैलरी को किस तरह से आपने बनाना है। अगर आप गैलरी में कोई चीज़ एडिट करना चाहते हैं तो बिल्कुल वैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, एक पेंसिल का आइकन आपको नज़र आएगा और वो पेंसिल का आइकन आपको अलाउ करेगा कि आप उस गैलरी को एडिट कर सकते हैं। दिस इज़ अगेन द ब्यूटी ऑफ वर्डप्रेस बीइंग अ कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन आपके जहन में आता होगा, हाउ मेनी इमेजेस कैन आई ऐड? मैं कितने इमेजेस एक गैलरी में ऐड कर सकता हूँ? यू कैन ऐड एज मेनी इमेजेस एज पॉसिबल। बट अगेन ख्याल रखें कि आपके पास एक सर्टन कैपेसिटी है, सो और आपके रीडर्स के पास एक सर्टन मेंटल कैपेसिटी आपके कंटेंट को देखने की पढ़ने की। सो ट्राई टू हैव अ फाइनाइट नंबर, एक स्पेसिफिक नंबर से ज़्यादा चीज़ें ऐड ना करें। इज़ एडिंग कैप्शंस अ गुड आइडिया? ये क्वेश्चन आपके और जहन में आएगा। एडिंग कैप्शंस इज़ अ वेरी गुड आइडिया बिकॉज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ही आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। What is the real use of a gallery? एक गैलरी का असल मकसद क्या है? So a gallery can be used for many things. सोचिए आप एक फोटोग्राफर हैं और आपने उसके images बहुत ज़्यादा दिखाने हैं, या आपने अपनी एक tech website है जिसमें आप कोई फ़ोन का रिव्यू कर रहे हैं उसके images दिखाने हैं, that's where you can add a gallery.
एक और क्वेश्चन, व्हाई डोंट आई यूज अ फीचर्ड इमेज इंस्टेड ऑफ अ गैलरी, बिकॉज बोथ ऑफ देम सर्व डिफरेंट फंक्शंस. फीचर्ड इमेज इज वन इमेज, इट शोज ऑन द टॉप. एक गैलरी जो है वो आपको मल्टीपल इमेजेस दिखाती है. सो लेट्स गो टू माई वर्डप्रेस वेबसाइट विच आई लव. इट्स कॉल्ड digiskillsadhamid.000webhostapp.com. हम डायरेक्ट इसको लॉग इन करेंगे और यहाँ से वी विल ट्राई टू क्रिएट अ न्यू पोस्ट. और पोस्ट और पेज में वी हैव द ऑप्शन टू क्रिएट अ न्यू गैलरी. सो लेट मी क्लिक ऑन पोस्ट. और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि गैलरी ऐड करने के लिए यू नीड टू क्लिक ऑन द ऐड मीडिया बटन. सो पहले तो मैं इस पोस्ट का एक कोई टाइटल दे देता हूँ. दिस इज अ इमेज गैलरी पोस्ट. यू विल सी अ गैलरी ऑफ इमेजेस हियर. और यहाँ पे आई क्लिक ऑन ऐड मीडिया. एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो विंडो खुली है, हियर आई हैव द ऑप्शन टू क्रिएट अ गैलरी. सो मैंने क्रिएट गैलरी पे क्लिक किया और अब मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ वो इमेजेस जो मैंने इस गैलरी में डालने हैं. ये टोटली मुझ पे, मैंने किस तरह के इमेजेस डालने हैं, ऑप्शंस सिलेक्ट करना मुझ पे है. सो लेट्स सी. आप ये भी देखेंगे कि एक सर्टन इमेजेस एक सर्टन मंथ से पुराने हो अगर, तो उससे भी मैं सिलेक्ट करके गैलरी क्रिएट कर सकता हूँ. सो आई विल रैंडमली सिलेक्ट दिस कॉफ़ी, दिस बर्गर, दिस इमेज ऑफ अ गर्ल हु इज टाइपिंग ऑन हर लैपटॉप एंड होपफुली इज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी थ्रू फ्रीलांसिंग, एंड दिस इमेज ऑफ बूट्स ऑन माउंटेन्स बिकॉज इट स्पीक्स अबाउट फ्रीडम एंड आई थिंक फ्रीलांसिंग गिव्स अस अ लॉट ऑफ फ्रीडम. सो ये चार इमेजेस मैंने सेलेक्ट किए और आपको इन पे एक चेक मार्क नजर आएगा. सो दिस टेल्स यू कि ये इमेजेस आपकी गैलरी में सेलेक्ट हो गए हैं. और साथ साथ आपको नीचे थंबनेल्स भी नजर आ रहे हैं. दीज थंबनेल्स शो यू कि ये इमेजेस आपकी गैलरी में सेलेक्ट हुए हैं. आई कैन जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट अ न्यू गैलरी. एंड अब आप देखेंगे कि उसने मेरे लिए एक नई गैलरी क्रिएट कर दी है जिसमें सिर्फ वो पर्टिकुलर इमेजेस जो मैंने सेलेक्ट किए थे वो सिलेक्ट हो गए हैं. आई कैन ऑल्सो क्लिक ऑन ऑर्डर. ऑर्डर मैं इनका चेंज कर सकता हूँ बाय क्लिकिंग रिवर्स ऑर्डर. आई कैन ऑल्सो एड अ कैप्शन. सो मैं आप जो मैंने अभी आपको चीज़ें बताई थी वही कैप्शन में ऐड करूँगा. बूट्स ऑन माउंटेन्स शो फ्रीडम, गर्ल विद लैपटॉप मेकिंग मनी, गुड फूड, गुड कॉफ़ी. और अगर मैं एक्स दबाऊं तो मैं एक पर्टिकुलर इमेज को डिलीट भी कर सकता हूं. या अगर मैं एक पर्टिकुलर इमेज को सिलेक्ट करूं तो उसकी प्रॉपर्टीज भी सिलेक्ट कर सकता हूं. एंड क्लिकिंग इट अगेन विल डी सिलेक्ट इट. लिंकिंग की ऑप्शन भी मेरे पास यहां पे अवेलेबल है कि मैं लिंक किस इमेज से उसको करना चाह रहा हूं. उसके अलावा अगर मैं कॉलम सिलेक्ट करना चाह रहा हूं तो मैं कॉलम्स भी कर सकता हूं. आई विल सिलेक्ट टू कॉलम्स एंड आई विल सिलेक्ट medium size and I'll select insert gallery. अब आप देखेंगे this is a beautiful gallery that has been added. I'll click on save draft and save draft करने के बाद मैं आपको ये live gallery हमारी website पर दिखाऊँगा which is DigiSkills साध हामिद. तो आप देख सकते हैं कि now this gallery is live, it has captions, it looks beautiful. And क्योंकि मैंने शुरू में select किया था कि इसके attachment page से इसको link करना है, तो अगर मैं click करूँगा it will lead me to its attachment page. साथ ही साथ अगर मैं इस गैलरी को एडिट करना चाह रहा हूँ तो I can remove an image, I can update the gallery and it will easily be updated. So that's how easily you can add an image gallery to your WordPress website. एक plugin जो मैं आपको बताना चाहूँगा, it's very popular, it's called Next Gen Gallery. और ये प्लगइन ऐड करके आप अपनी वेबसाइट को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं. सो ये प्लगइन ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा बिकॉज दिस प्लगइन विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू इन्हेंस योर वर्डप्रेस गैलरी. इस तरह के बेतहाशा और प्लगइन्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं टू इन्हेंस द फंक्शनैलिटी ऑफ योर वर्डप्रेस वेबसाइट एंड स्पेसिफिकली इमेज गैलरीज. याद रखिएगा, इमेज गैलरीज कैन बी एडिड एनीवेयर फ्रॉम योर पोस्ट्स to your pages, to your custom posts.
So use galleries, make your site more beautiful, make your site more appealing so you can get more traffic and you can make more money.